वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। तो आज एक हम बहुत ही संजीदा नौयत के इशू पर प्रोग्राम में गुफ्तगू करने वाले हैं, जिसको हम मसला ये है कि इसको हम मसला समझते ही नहीं हैं। कभी आपने गौर किया है कि हमारा जो नेशनल ग्रीटिंग स्टाइल है वो क्या है? ख्वातीन की बात कर रही हूँ, बुरा मत मनाइएगा, हम सब में गलतियाँ होती हैं, लेकिन हम सीखते हैं वक्त के साथ। जब भी आप यू नो, किसी ख्वातीन की महफिल में आप जाएंगे या घर पे हमारे गेट टुगेदर्स होते हैं, तो ख्वातीन का एक पेट सेंटेंस है, जब भी किसी से कुछ अरसे के बाद मिलेंगी तो वो यही कहेंगी, अरे कितनी मोटी हो गई हो, अरे कितना वेट गेन कर लिया है। अगर इसके बरक्स कोई शख्स पतला होगा, अरे खाने को कुछ नहीं मिलता घर में, कितनी दुबली हो गई हो, कितनी कमज़ोर हो गई हो, ये जाने बगैर, ये सोचे समझे बगैर कि शायद वो शख्स कितना स्ट्रगल कर रहा हो इस चीज़ को लेके, अपने वज़न को लेके, ना जाने उसके हॉर्मोन्स डिस्टर्ब्ड हैं या कोई और हेल्थ के इश्यूज़ हैं जिसको वो फेस कर रहा है, लेकिन हम सोचे समझे बगैर ये कमेंट पास कर देते हैं। स्कूल्स में एक हमने देखा है कि बच्चे जब घर आते हैं, टीचर्स की तरफ से ऐसे जुमले यू नो, सुनने को मिलते हैं, बच्चे चूँकि ग्रोइंग एज में होते हैं, छोटे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, उनको उस शायद जुमले का या उस बुली करने का मतलब तो ना मालूम हो, लेकिन वो डिस्टर्ब दिखाई देते हैं। फिर शौहर की तरफ से बीवी को बहुत सारी ऐसे बातें की जाती हैं, स्पेशली आप यू नो, एजिंग की तरफ बढ़ रहे होते हो, और इस प्रोसेस से मेरे ख्याल से हर इंसान ने गुजरना ही है। कितना एक शख्स डिसहार्ट होता है जब उसको इस तरह के जुमले सुनने पड़ते हैं उस शख्स से जिसे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, और ये हमारी शख्सियत पर, हमारे जहन पर, हमारी मेंटल हेल्थ पर कितना असरअंदाज हो सकता है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि जो बुलिंग का कॉन्सेप्ट है, पहले तो इसको अंडरस्टैंड करना, पहले तो इसको मानना कि जी हाँ हम बुली कर रहे हैं या कोई और शख्स बुली हो रहा है, इस पर बात करेंगे, और इसको रोकना कैसे है, अपनी सोसाइटी में इसको ख़त्म कैसे करना है। हमारे साथ जनाब एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ़ करवाती चलूँ। सारा अहमद नीना कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं एंड रिलेशनशिप काउंसलर भी हैं। थैंक यू सो मच आपने हमें ज्वाइन किया सारा इन शो। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम, आई एम गुड। अच्छा, सबसे पहले तो हमें समझना है कि हम बुली हो रहे हैं, और उस शख्स को इस बात का एहसास करवाना है कि ये गलत है। बहुत सारे लोग जो कि इसकी डेफिनेशन को मुकम्मल तौर पर नहीं जानते, मैं चाहूँगी पहले आप ज़रा उनको समझा दें कि बुलिंग करना है क्या। जो आपने की पॉइंट किया ना, दैट इज़ द मोस्ट एसेंशियल पॉइंट, कि अगले को ये बता देना कि आप मुझे बुली कर रहे हो या आप गलत कर रहे हो। यही तो बात है कि हम बोलते नहीं हैं और हम अगले को बताते ही नहीं हैं कि ये बुली कर रहे हो आप मुझे। बुलिंग में हम समझते हैं कि सिर्फ फेशियल फीचर्स के ऊपर बात करना ही बुली करना है, बट नेम कॉलिंग, कंपेयरिंग विद अदर्स, एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द ग्रुप, और किसी को उसके पास्ट के ऊपर कॉमेंट करना, और किसी और की एग्जाम्पल्स दे दे के उसको कमतर दिखाना, ये सारी चीज़ें बुली करने में आती हैं। और ये हमारी ख्वातीन में स्पेसिफिकली देखा जाता है, वेन एवर दे मीट विद ईच अदर, दे आर द वेयरिंग मशीन, दे आर देयर मिरर्स, और वो फ़ौरन आपको बताएंगे कि अच्छा ये दाना निकल आया मुँह पे, तुम्हारा वेट बढ़ गया है, तुम पेयर शेप हो गई हो, तुम एप्पल शेप हो गई हो। मेरे पास लोग रोते रहते हैं पूरे पूरे सेशन में, लाइक एक घंटे का अगर क्लिनिकल काउंसलिंग सेशन है, दे विल कीप ऑन क्राइंग जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनको किसी ने उनके नाक पे कुछ कह दिया, उनकी आंखों पे, उनके होंठों की शेप पे, पता नहीं क्या। सॉरी मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ गुफ्तगू को, मुझे शर्म महसूस हो रही है ये बात करते हुए भी, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। हमारे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा देखा जाने वाला जो इस वक्त गेम शो है, जो कि ऑन एयर है और पाकिस्तान के सुपरस्टार सेलिब्रिटी उसको होस्ट कर रहे हैं, अगर आप उस शो में, अगर आप वो देखा हुआ आपने, तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें एक सेगमेंट है जिसमें उन ख्वातीन को बुलाया जाता है जो उनका वज़न सबसे ज़्यादा होता है, और उस ख्वातीन को बाइक या तोहफा मिलता है जो कि उस वेइंग मशीन पर सबसे ज़्यादा वेट में होती हैं। आई थिंक ये शर्म की बात है कि हम नेशनल टीवी पे इस तरह की गेम्स कर रहे हैं, और ना तो उस सेगमेंट करने वाले उस सुपरस्टार को पता है कि ये बुली करने में आते हैं, और वो ख्वातीन भी जो आ रही हैं शायद उनको भी इस बात का एहसास नहीं हो रहा। एग्जैक्टली, ह्यूमर, वी यूज़ ह्यूमर एज अ बुली एज वेल। बहुत से लोग जो खुद से इनसिक्योरिटीज़ का शिकार होते हैं, या खुद से उनके अंदर ये नेगेटिविटी पाई जाती है, या वो उन्होंने बचपन में फेस की होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिटेलिएशन या बदला लेने के लिए, वो ह्यूमर को भी यूज़ करते हैं। और जिस गेम शो की आपने बात की, आई थिंक गलती हम लोगों की भी है जो हम व्यूअरशिप उसकी इंक्रीज़ करके और यू नो, उनको प्रेस करके ये चीज़ ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ना सिर्फ उस स्पेसिफिक सेगमेंट बल्कि उस शो में, या वैसे भी आप और भी बहुत से पॉइंट्स अगर देखें तो
तो वो बुली करने वाले हैं, बट वी डू नॉट स्पीक अप, वी आर एक्चुअली प्रमोटिंग दैट कॉन्टेंट. इवन कि अगर हम टिकटॉक पे या इस तरह से सोशल मीडिया पे भी देखें, हम कितनी बुली कर रहे हैं, हम कैसे कैसे कमेंट्स कर रहे हैं. अगर हम कोई फ़नी वीडियो शेयर, किसी एक ने बात कह दी है, तो आपने उसके नंबर ऑफ़ शेयर्स देखे हैं क्या कभी, उस टिकटॉक वीडियो के नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं. तो हम भी उसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं. वी डोंट इवन नो कि हम कहाँ कहाँ पे किस किस इंसान को जो है वो हर्ट कर रहे हैं. लिटरली लोग रोते हैं. आप ब्यूटिशंस के पास जाके देखें, इतने इतने क्लाइंट्स ऐसे हैं, 8-8 साल की, 10-10 साल की बच्चियाँ फेस वैक्स के लिए आती हैं कि हमारे मुंह पे बाल हैं. 10 साल की बच्चियाँ? एग्जैक्टली, यस. स्कूल गोइंग बच्चियाँ? यस. कि मेरी क्लास फेलो ने कह दिया, मेरी क्लास फेलो की मदर मुझे ऑफ टाइम पे मिली थी, उन्होंने कहा था बेटा तुम्हारे चेहरे पे एक्स्ट्रा बाल हैं, ये क्या हुआ है. तो मदर्स लेकर आती हैं? मदर्स लेकर आती हैं. इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम. अगर एक मदर, आई रिमेंबर अ मदर एंड शी वॉज कॉन्टिन्यूसली कॉन्टेक्टिंग मी, मेरे बेटी को कॉन्फिडेंस इशूज़ हैं, वो स्कूल में बोल नहीं पाती, पार्टिसिपेट नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही. अब मैंने कहा अच्छा थी क्या वजह हो सकती है, ऑब्वियसली वी हैव टू कंडक्ट अ सेशन. अब जब वो मेरे पास क्लिनिक में आई हैं, उन्होंने पहली बात ये की है, आपने इसकी ये कलमें देखी हैं यहाँ पर, बिल्कुल इसके भाई की तरह बाल हैं. मैं तो कहती हूँ तुम अपने भाई की शेविंग मशीन से कर लिया करो. मैंने कहा आप उसके सामने किस तरह के कॉमेंट्स यूज़ कर रही हैं, और फिर आप कह रही हैं कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है. It starts from home. To be very honest. अच्छा नीना जी, मैं आपको बुला सकती हूँ? नीना, yes, my name is. अच्छा सबसे पहले तो हम गलतियाँ कर रहे होते हैं घर में, हमें एहसास नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल हम बच्चों की ओबेसिटी की बात कर लेते हैं कि पहले तो हम उनको बड़े शौक से वीकेंड्स पे हमने उनको जाके जंक फूड लेकर देना है, और हमने अपने लाड का एहसास भी तो ऐसे ही करवा देना. उसके बाद जब बच्चे एक सर्टन एज तक पहुँच जाते हैं और उनका जब वजन बढ़ जाता है, फिर हम अपनी ही औलाद को घर में वज़न बढ़ने के ताने देना शुरू कर देते हैं. और मैंने खुद ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि जिम में बहुत छोटे छोटे बच्चे, मदर्स जिनको लेके आएंगे, इनका वेट कम हो, और उनको पता भी नहीं है कि यू नो ट्रेडमिल कैसे कितना यूज़ करना है, और वो नन्ही जानों के लिए यू नो इट्स टू मच. तो पहले तो हमने रियलाइज़ नहीं किया, फिर बच्चों को बुली किया, फिर हमने खुद उनको उस यू नो एहसास से कमतरी में डाल दिया कि नो यू नो अब आप इस तरह से हो, सो यू हैव टू चेंज योर सेल्फ. पहले हम बच्चों को ये सिखाते हैं दैट इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ डाइन आउट एवरी वीकेंड, आपने उसकी स्नैप लेके पोस्ट करनी है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपके सारे कजन्स और फ्रेंड्स सर्कल को पता लगे कि जी आप डाइन आउट के लिए जा रहे हो. उसके बाद जब उनकी हैबिट डेवलप हो जाती है, वी स्टार्ट कमेंटिंग बैड ऑन देम कि भी आपका वेट बढ़ गया है या नहीं है. फिर हम उनको कंपेयर कर रहे होते हैं कि तुम्हारी कज़न तो इतनी पतली है, या तुम्हारी कज़न ऐसी है, उसके बाल ऐसे हैं, उसके चेहरे पर बाल नहीं है, और इस तरह से पहले हम एक नेगेटिव हैबिट डेवलप करते हैं, और जब बच्चे उस पर कंसिस्टेंटली एक्ट करना शुरू कर देते हैं, सो वी स्टार्ट कमेंटिंग इन अ नेगेटिव वे. तो ये एक साइकिल है जो पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है, एंड वी नीड टू स्टॉप दिस थिंग. सबसे पहले तो हम पेरेंटिंग की ही बात कर लेते हैं ना, फिर हम कहीं और चले जाते हैं, हम मियाँ बीवी के रिलेशन पे, या फिर हम स्कूलिंग और दीगर सोसाइटी के जो इशू पे बात करते हैं. पेरेंट्स की तरफ से भी इस चीज़ को बिल्कुल यू नो उनका एहसास नहीं किया जाता, रियलाइज़ नहीं किया. बल्कि अगर आपके घर में ज़्यादा बच्चे हैं तो उनके ग्रेड्स का कंपैरिजन भी अपने ही बच्चों में किया जा रहा होता है. yes. कि तुम्हारी देखो बड़ी बहन ने या भाई ने हिज गुड इन स्टडीज, उसके इतने ग्रेड्स आए, तुम तो हो ही फेलियर, या तुम तो नहीं कर पाओगे. तो ये भी इसी ज़ुमरे में आता है. एग्जैक्टली, ये इसी ज़ुमरे में आ रहा है. इससे क्या होगा, बच्चा ना सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन करेगा, बल्कि जिसके साथ उसको कंपेयर किया जा रहा है उसके लिए हेट्रेड डेवलप होगा. सुसाइड्स भी हो रही हैं इस हवाले से, बिल्कुल स्टूडेंट्स में, बच्चों में. एग्जैक्टली, यहाँ ऐसा है. अगर आप हॉस्टल्स में देखें, मेडिकल कॉलेजेस में देखें, कितना कंपैरिजन है. बच्चे सिर्फ अपनी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से या अपने लेस ग्रेड्स की वजह से इफेक्टेड नहीं होते, उनके अंदर एक हेट्रेड जो डेवलप होता है ना अपने पार्टनर को लेके, अपने क्लास फेलो को लेके, कि उसको कंपेयर करके मुझे कमतर समझा जा रहा है, इट मीन्स असल कल्प्रिट वही है जिसकी वजह से मैं इफेक्ट हो रहा हूँ. यहाँ पे ना एक बात मैं करूँगी, पेरेंट्स शुरू से बच्चों को बुली करके, नेगेटिव कमेंट्स कह कह के उनके फेशियल फीचर्स पे, उनके कॉम्प्लेक्शन पे, उनको इस चीज़ से यू नो इम्यून कर देते हैं कि ये सुनना ठीक है. अब आगे जाके जब टॉक्सिक फैमिली कल्चर्स में, आपने देखा होगा आंटीज़ वगैरह आपके फेशियल फीचर्स पे कमेंट कर रही होती हैं, तो बच्चा बोल ही नहीं पाता, वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाता कि ये गलत है. क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसके अंदर ये चीज़ इनकलकेट कर दी है कि अगर आपके फेशियल फीचर्स को दूसरे लोग आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो बुरा होगा. So it's something really bad. अपने बच्चों में भी कोई इस तरह की हैबिट देखें तो मेरे ख्याल से वहीं पर उनको यू नो बीइंग अ पेरेंट यू हैव टू स्टॉप देम राइट वहीं पे. मुश्किल है बहुत ज़्यादा. मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है और आई डोंट नो कहाँ से उसने जॉइंट फैमिली भी नहीं है और कुछ, लेकिन बच्चे पिक कर लेते हैं, स्कूल भी जाते हैं. सो उसने कहना शुरू कर दिया कि मामा मुझे ब्लैक कलर नहीं पसंद घर में, एक हाउस हेल्प माई. सो उसने पॉइंट आउट किया कि मामा शी इज़ सो डस्की, she's so black.
सो मुझे ये बात वहीं पे यू नो बहुत पिंच की. देन रिसेंटली आई हैव गिवन बर्थ टू अ बेबी गर्ल. तो जब नर्सरी में गई तो वहाँ पे एक 10 की बच्चा था. सो उसने पॉइंट आउट किया कि बाबा कहीं ये हमारा बेबी तो नहीं है. और फिर मेरे शौहर ने मुझे आके कि ये इसमें ये चीज़ यू नो. तो मैंने उसको वहीं पे समझाना शुरू किया कि आपने कभी भी ऐसा नहीं सोचना. और हर इंसान का जो भी स्किन टोन है, जो भी कलर है, उसमें बहुत खूबसूरत है. फिर इस चीज़ को मज़ीद मेक श्योर करने के लिए मैंने नेटफ्लिक्स पे एक सीजन है, आप देखेंगे, वो बच्चों के लिए ले ले. उसमें करेक्टर है, शी इज़ अ ब्लैक गर्ल. ओके. सो वो देखती रही उसने, उसके 2 सीजन पूरे ख़त्म कर लिए और नाउ शी इज़ हर फेवरेट करेक्टर. सो आई थिंक ये एफर्ट हमें थोड़ी सी करनी चाहिए. करनी चाहिए. हम देखते हैं कि बच्चे घरों में हाउस हेल्प को जिस तरीके से मार पीट रहे होते हैं, पेरेंट्स सामने बैठे होते हैं, नहीं रोक रहे. नहीं रोक रहे. नहीं अगर आप अपने बच्चे में कोई भी ऐसी चीज़ देखें तो एटलीस्ट रियलाइज करें और यू नो उसको समझाएं, उसको करेक्ट करें. आपने अगर कल्चर देखा हो, हम बैठे हुए हैं टांगे ऊपर करके, वी आर ऑर्डरिंग हाउस हेल्प और देयर किड्स, अगर वो नहीं करते तो बच्चे अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं. अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करना भी तो सॉर्ट ऑफ बुलिंग है ना, कि भाई आप अगले की सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं करते. और जहाँ तक आपने बात की पेरेंट्स की इस सारे बिहेवियर को इनकलकेट करने की, अब मेरे पास एक फादर आए हुए थे एंड ही वाज ऑफ द व्यू, नहीं जी ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेती, ये नहीं करती, KFC बहुत खाती है, बर्गर्स बहुत खाती है. मैं चाहता हूँ कि जी ये मेरी बीवी कितना इसका भारी जिस्म ना हो जाए. आई वाज लाइक डिवोस्टेटेड. आप क्या कह रहे हैं? एक तो आप उसको एक इंक्रीज्ड वेट को इतना बुरा बना के पेश कर रहे हैं, और सेकेंडली उसको अपनी बीवी के साथ एसोसिएट करके कर रहे हैं. वो अपनी मदर को कितना नेगेटिव लेगी कि मैंने अपनी मदर जैसा नहीं बनना. और आप अपने वर्डिंग किस तरह के यूज़ कर रहे हैं? सो वी डू नॉट इवन नो दैट हाउ टू सेलेक्ट द वर्ड्स. अब 90s के बच्चे बड़े ज़्यादा आते हैं, मिलेनियल्स, जेन जी, ये ऑब्वियसली दे सिट इन द सेशन और लिटरली रो रहे होते हैं. आई हैव सीन बॉयज क्राइंग लाइक क्रेजी. अब उनकी एक कंप्लेन होती है कि जब हमें बुली किया जाता था या जब हमारी खाला, चाची, मामी, ताई हमारे नाक, कान और यू नो हमारी आंखों पे, हमारे बालों पे, फेस शेप पे कमेंट कर रही होती थी, हमारी मदर खामोश रहती थी. वो आगे से चुप नहीं होती, वो आगे से अपनी चुप नहीं तोड़ती थी. वो उनको मना नहीं करती थी कि आप हमारे बच्चों के फेशियल फीचर्स पे इस तरह से कमेंट क्यों कर रहे हो. दे आर ऑफ द व्यू कि अगर यही चीज़ हमारी मदर करती हैं, वो थोड़ा सा उनके बच्चों को किसी बुरी आदत से रोकती टोकती भी हैं, तो उनकी मदर उनको अलाउ नहीं करती कि आप हमारे बच्चों पे कमेंट करें. दे क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी इन द सेशंस कि हमारी माएँ तब चुप क्यों थी. तो यहाँ पे पेरेंट्स के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर कोई आपके बच्चों को इस तरह से पिन पॉइंट कर रहा है, कुछ कह रहा है, यू नीड टू स्टॉप दैट पर्सन. अच्छा, और ये इसकी झलक मेरे ख्याल से कि जिस जनरेशन का आप जिक्र किया, अब चूंकि यू नो दे आर यंग और अपनी लाइफ में यू नो प्रोफेशनल हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो चुके हुए हैं, लेकिन वो कहीं माजी की यू नो एक वो बैड मेमोरीज वो उनके साथ अटैच्ड हैं जो कि उनके बिहेवियर में दिखाई, क्योंकि वो हमारे पास से, हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमा से जुड़ी हुई हैं. एक एक टॉक्सिक कमेंट की वजह से. आप आई हैव फेलो डर्मेटोलॉजिस्ट जो अपने क्लाइंट्स रेफर करते हैं विद बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर. बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर क्या है? ऑब्वियसली यू बिकम ओवरली ऑब्सेस्ड एंड ओवरली कॉन्शियस अबाउट वन ऑफ द बॉडी शेप ऑन योर बॉडी, किसी भी फेशियल फीचर्स को लेके, या किसी को बस एक वहम आ गया, किसी ने अगर कह दिया तुम्हारा नाक ऐसा है, वो घंटा घंटा शीशे के सामने देखते रहते हैं. दे गो फॉर सर्जरीज, दे गो फॉर बोटॉक्स, और इतने सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट आर ऑफ द व्यू कि हम स्केल पे उनको मैयर कर करके बता के थक गए हैं कि आपका बिल्कुल ठीक है. ठीक है, जो सारी मेजरमेंट्स हैं, जो सारी फेशियल फीचर्स होने चाहिए कि फोरहेड कितनी लेंथ होनी चाहिए, इसकी इतनी होनी चाहिए, जो भी एक्सपर्ट कैन टेल बेटर, लेकिन दे इंसिस्ट टू डू दैट सर्जिकल प्रोसीजर जस्ट बिकॉज कि उनकी हाला, चाची, मामी ने कह दिया था कि तुम्हारा मुंह ऐसा है, तुम्हारा मुंह लंबा है, तुम्हारा नाक मोटा है, और समथिंग लाइक दैट. एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिड लाइफ क्राइसिस एक टर्म यूज की जाती है. आई डोंट नो, आप बता सकती हैं कि ये टर्म यूज क्राइसिस इसको समझना भी है या इसको नहीं समझना है? यानी कि वो मर्द और ख़वातीन जो कि अपनी 40s क्रॉस कर चुके होते हैं या नियर 40 होते हैं, और ऑब्वियसली हमारे जो फिज़िकल जो हमारे फीचर्स हैं, हमारी जो बॉडी है, वो अब वैसी नहीं है, और एक यू नो एजिंग प्रोसेस की तरफ आप बड़ी तेज़ी के साथ आप बढ़ रहे होते हैं. तो रिंकल्स भी आ रहे हैं, वेट भी आप पुट ऑन कर रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें, इसको हम एक्सेप्ट नहीं, ख़वातीन एक्सेप्ट नहीं करती इस प्रोसेस से गुजरने को. और फिर मल्टीपल प्रोसीजर्स मैंने खुद देखा है उन ख्वातीन को जो कि एस्थेटिक के पास चले जाते हैं और बहुत कुछ करवा लेते हैं सिर्फ इसलिए कि क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया
उनकी फैमिली में उनके शोहर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करे कि वो अब तो यू नो एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गए, तो इस चीज़ को यानी कि इतना बैडली उन्होंने अपने ऊपर लिया है, बहुत बुरा असर हो रहा है, तो ये सब कुछ हो रहा है। देन अगेन सोसाइटी, अब मैं अपने केस की एग्जांपल इसलिए देती हूँ बिकॉज आई रियली वांट टू, मैं अपने फॉरम दी साइकोलॉजिस्ट टॉक इंस्टाग्राम पे भी बार बार इन चीज़ों का डिस्कशन इसलिए करती हूँ सो पीपल शुड नो कि ये चीज़ें कॉमन हैं। अब ये जो आपने बात की ना कि मिड लाइफ में इस तरह के ऐसे ऐसे प्रोसीजर्स करवाना, आई रिमेंबर अ क्लाइंट, वो शी कॉन्टेक्टेड मी थ्रू सोशल मीडिया, तो मैंने सोशल मीडिया पर उनकी पिक्चर देखी, बड़े प्यारे बार, एंड आई वॉज लाइक वाओ ये क्यों आना चाहती हैं। शी वॉज ऑफ द व्यू कि भाई मैं अपने फेशियल फीचर्स को लेकर, अपने अपेयरेंस को लेकर बहुत परेशान हूँ। And when she landed at my clinic, उनके बाल सिर्फ दिखने में बाल थे, लेकिन इतने कम थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आप इतने फ्रीक्वेंट हेयर डाइज क्यों करवाती हैं, शी टोल्ड मी कि मेरी जो जेठानी है उन्होंने बताया था कि अगर तुम ये नहीं करवाओगी ना तो तुम्हारे शोहर का दिल भर जाएगा, और मैं भी करवाती हूँ तो तुम भी करवाया करो, क्योंकि ये दोनों भाई इस तरह के हैं कि इनका ध्यान और लेडीज़ की तरफ जाता है। अब वो जो उनकी जेठानी थी, ऑब्वियसली शी हैड गुड डाइट, उनके हार्मोनल इश्यूज नहीं थे, वो तो हेयर डाई करवा रही थी, उनका हेयर फॉल नहीं हो रहा था, लेकिन जब मेरी क्लाइंट ने वो अपने रेगुलर हेयर डाइज करवाना शुरू हुई, रिबॉन्डिंग करवाना, एग्जैक्टली रिबॉन्डिंग करवा रहे हैं रेगुलर, जिसके अंदर इतने केमिकल्स, आई थिंक अगर आप एक बार करवा लो डैमेज रिपेयर होना चाहिए 6 to 8 months फिर करवाना चाहिए, बट उनके वाइट आ जाते हैं और वो करवा रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मेरी जेठानी ने कह दिया था और शायद मेरे हस्बैंड का ध्यान किसी और की तरफ ना चला जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्ट्रेच मार्क्स रिमूवल सर्जरी हस्बैंड्स की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है फीमेल्स पे कि अगर तुम ये नहीं करवाओगी तो तुम मुझे अपीलिंग नहीं लगोगी और हमारा रिलेशनशिप इफेक्ट होगा। इस सारे बुली होने में एक तो ज़ाहिर बात है सुसाइड रेट, और डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं, उसके अलावा जो गायनेकोलॉजिस्ट की तरफ से रेफरेंस आते हैं, द वे दे वॉन्ट टू डू नॉट वॉन्ट टू कंसीव फर्दर, बिकॉज उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अपनी फर्स्ट या सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान हस्बैंड की तरफ से ये कॉन्टीन्यूसली सुनने को मिलता है कि अगर वेट बढ़ गया ना फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, वट आर यू डूइंग टू योर वाइफ, तो फिर तो सारी चीज़ें। इस तरह के मर्दों से भी आपकी मुलाकात हुई, उनकी आप काउंसलिंग किस तरह से करती हैं? यस, बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर में मेल्स की बैडनेस, ठीक है, और कुछ लोगों को होता है कि हमारी दाढ़ी पे मोटे बाल वैसे क्यों नहीं है जो बाकी लोगों के हैं, ठीक है, उसके अलावा कुछ मर्द हजरात कहते हैं कि हाँ हमारी बॉडी पे उस तरह के बाल क्यों नहीं है जो बाकी मर्द हजरात के हैं, ठीक है, हमारी आवाज़ वैसी भारी क्यों नहीं है, किसी ने अगर उनको कह दिया तुम्हारी लड़कियों जैसी आवाज़ है, सो दे डू नॉट इवन स्पीक वेल, जो सारे कॉन्फिडेंस के इश्यूज़ हैं। आई रिमेंबर अ मेल, उसको उनको कभी किसी ने उनकी आवाज़ पर कुछ कह दिया था एंड ही इज़ नॉट एबल टू वर्क इन ऑफिस इन्वायरमेंट, ही इज़ वर्किंग फ्रॉम होम, सो हाउ ट्रामेटाइजिंग इट इज़। देन अगेन किसी मेल को किसी ने उनके पेट पे कह दिया था कि तुम तो ऊपर पेंट ना बांधा करो, तुम्हारे साइज की पेंट नहीं आती, ही डिवेलप्ड ईटिंग डिसऑर्डर्स, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ब्लूमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया में क्या होता है, इसको रिपीट कर लो, कर लें, ईटिंग डिसऑर्डर्स इतने डिवेलप हो रहे हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ब्लूमिया नर्वोसा। अब एनोरेक्सिया में क्या होता है, आप जितना खाते हो उसको इंटेंशनली वॉमिटिंग के थ्रू, ओह यस, यू जस्ट टेक इट आउट, क्योंकि लोगों के अंदर फेयर होता है अगर मैंने खाया तो मेरा वजन बढ़ जाएगा। आई हैव सीन लेडीज कमिंग टू माई क्लिनिक, आती किसी और वेट के साथ है लेकिन कुछ देर बाद उनका इतना डिटेरियोरेट हुआ होता है, इतनी अंडरवेट हुई होती है बिकॉज ऑफ दीज ईटिंग डिसऑर्डर्स। सो ये जो कीटो डाइट आ गई है, जी, करनी चाहिए, चीज़ें करें, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट की रिकमेंडेशन पे करें ना। आप खुद ही सुबह उठ के एक ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हो, सारा दिन कुछ नहीं खा रहे जस्ट बिकॉज किसी ने कहा था कि तुम्हारी पेयर शेप है, देखो हम में अपने अल्फाज का चुनाव आता ही नहीं है। अगर हम बस ये सोच लेना कि यही वर्ड्स कोई हमारे बच्चों को कहेगा तो हमें हमारे बच्चों पे क्या इफेक्ट होगा, अपने बच्चों को हम प्रोटेक्ट करते हैं। हाउ टू स्टॉप इट, सारा ये बड़ा ज़रूरी है कि हम स्पेशली देखते हैं कि घर में जो बड़े खवातीन हैं, जो बड़ी एज में हैं, नानियाँ दादियाँ वगैरह, ये लोग भी यू नो दे आर, चूँकि एक ज़माना देखा होता है थोड़े से वैसे भी लहजे से ज़रा सख्त हो गए होते हैं, ज़रा ब्लंट हो गए होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए होते हैं, तो वहाँ से भी बहुत सारी बातें आ रही होती हैं, बहुओं को बहुत सारी बातें की जा रही होती हैं, बेटियों को बहुत कुछ समझाया जा रहा होता है, ये सोसाइटी में इस चीज़ को आपको क्या लगता है कि हाउ टू स्टॉप इट, कैसे बेहतर कर सकते हैं? एक तो ये कि हम अपनी माजी की तलखियों के बदले लोगों से ना लें, ठीक है, हम अपनी इनसिक्योरिटीज़ को अपने तक ही रखें, हम अपनी एग्रेशन में आके ये ना देखें कि हमने फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे शो करनी है। अगर हमारे बच्चों में कमज़ोरियां हैं उनको छुपाने के लिए हम दूसरों के बच्चों के ऊपर कमेंट ना करना शुरू कर दें, अगर हमारे कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप्स हैं अपने बहन भाइयों से, रादर देन कि हम उनको रिजॉल्व करें, इस वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है रादर देन कि हम उनके बच्चों के ऊपर नेगेटिवली कमेंट करके अपने कोई बदले लें। सो
ये जब हम किसी को बुली करते हैं ना, तो ये इतनी बुरी रिटेलिएशन की तरफ कुछ लोग चले जाते हैं. स्पेसिफिकली मेल्स के ऊपर बुलिंग का इतना बुरा इफेक्ट होता है. देर वॉज अ केस, हम क्योंकि ऑब्वियसली केस कॉन्फ्रेंसेस में भी डिस्कस करते हैं और फेलो साइकोलॉजिस्ट भी डिस्कस करते रहते हैं. समवन टोल्ड मी कि एक लड़के ने अपनी कज़न से शादी की सिर्फ इसलिए कि पता नहीं उसकी हाला ने उसको कोई नेगेटिव कॉमेंट कह दिया था उसकी अपेयरेंस पे, और अब वो कह रहा था कि मैं शादी करके उससे इस तरह बदला लूँगा. सो मेल्स पे बुली का बहुत बुरा इफेक्ट होता है, यू कांट इवन इमेजिन. और ये जब रिटेलिएशन और यू नो रिवेंज की तरफ आते हैं इस चीज़ से इफेक्ट हुए हुए लोग, इट हैज़ अ डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट. अच्छा, रोका इसको ऐसे जा सकता है कि हम बस ये सोचें कि अगर कोई हमें कहे तो कैसा इफेक्ट होगा, और इस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा जाके. अच्छा, हमारे यहाँ जो बहुत सारे टीवी शोज़ हैं, स्पेशल प्राइम टाइम के शोज़ हैं, एंटरटेनमेंट शो जिसको हम समझते हैं, उस पर भी जुगतबाजी हमारे यहाँ एक टाइम पे, यू नो ह्यूमर अच्छा होना ज़रूरी है, लेकिन किसी की बॉडी शेमिंग करना या किसी के यू नो लिबास पर या किसी के स्किन कलर पर या किसी के वेट पर या किसी के बैंक बैलेंस पर, हम देखते हैं कि मुसलसल ह्यूमिलेशन हो रही होती है, तो हम इसको बड़ा अच्छा ह्यूमर कंसिडर कर रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं. ये ट्रेंड भी आप समझती हैं कि गलत है? ऑफ कोर्स गलत है, बच्चे नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं. वट एवर पीपल आर सीइंग, तुम अब आप उस टीवी शो का मैं नाम नहीं लूँगी, हम कहते हैं कि तुम तो उसकी तरह हो गई हो, उसकी तरह चल रही हो, तुम ऐसे करना शुरू हो गई हो, तुम्हारे पास बिल्कुल वैसे तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं या तुम नहीं सोसाइटी में मूव कर पाती. ये चीज़ें हमने नॉर्मलाइज कर दी हैं दिखा के, और हम बच्चों को नहीं कह सकते. हम अगर किसी के घर जा रहे हैं, ठीक है, रास्ते में अगर हम अपनी गुफ्तगू सुने गाड़ी में बैठे हुए, मदर्स क्या कह रही होती हैं, वहाँ पे ऐसे करना, जो मैंने तुम्हारे बैग में रखा था वो वहाँ पे जाके अगर वजू किया या मुंह धोया तो वापस वो क्रीम लगा लेना. बच्चों के स्कूल बैग्स में क्या होता है, तुमने अपने साथ लेके जाने, बच्चियाँ हैं ओ लेवल्स की, ए लेवल्स की, रादर देन फोकस ऑन योर डिक्शनरीज एंड बुक्स, उनके बैग में मेकअप पाउचेज हैं बिकॉज पेरेंट्स ने ये चीज़ें इनकलकेट कर दी हैं. बिल्कुल सही. तो ये सब करने के जो ज़हनी असरात हैं क्या होते हैं? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीपल कैरी ऑन दिस ट्रामा थ्रू आउट देयर लाइफ्स. और फिर यही हो रहा है, इंटर जनरेशनल ट्रामा. अगर हमने ये चीज़ें फेस की, हम आगे जाके यही कर रहे हैं. OCD, बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर्स, सुसाइड इज वे टू मच. अच्छा, सुसाइडल होने से पहले के कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि अगर हम किसी शख्स में देखें तो वी शुड बी वेरी केयरफुल, उस शख्स को यू नो हेल्प करना चाहिए. ऑफकोर्स, इफ़ समवन इज़ टेलिंग यू दैट ही और शी इज़ बीइंग फ्रस्ट्रेटेड और उसकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है क्योंकि उसको किसी ने उसके पेरेंट्स में कोई बात कह दी है, आप उसको सुने, ठीक है. अगर वो बार बार इस तरह के कॉमेंट्स कर रहा है कि मेरा दिल करता है मैं तो खुद को खत्म कर लूँ क्योंकि मैं अच्छा नहीं दिखता है, इस तरह से यू नीड टू लिसन टू दैट पर्सन. अगर वो किसी को ब्लेम कर रहा है कि किसी की वजह से मैं इतने ट्रामा से गुजर रहा हूँ, प्लीज़ लिसन टू दैट पर्सन. और अगर वो कंप्लेन करके अपनी एग्रेशन निकालना चाह रहा है, एंड इफ़ यू नो कि आपने अगले को हार्म किया, प्लीज़ गो और आप उससे माफ़ी मांगे, क्योंकि मे बी आपकी माफ़ी से या आपकी सॉरी कहने से उसके ये सारा ट्रामा ख़त्म हो जाए. उसके अलावा लोगों को फ्लैशबैक्स बहुत ज़्यादा आते हैं जब भी वो उस इंसान से मिलते हैं और किसी ने उसको बुरा कुछ वर्ड कह दिया हो उनके पेरेंट्स पे, तो वो उसके सामने वो नहीं फेस कर पाते. और मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक ये इंटेंशनल होता है, क्योंकि वही वाली बात आ गई, हम अपने लिए तो ये चीज़ पसंद नहीं करते. हमने बहुत सी फैमिलीज में ऐसे देखे, वो छुप छुपा के बच्चों को कह देती हैं, नहीं तुम्हारा ये नहीं अच्छा लग रहा, तुम वाइट नहीं लग रहे आज, तुम्हारा कलर फेयर नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारी इंटेंशन है ना कि हमने अगले को किसी ना किसी तरह से नेगेटिवली इफेक्ट करना है. तो आई थिंक एज अ ह्यूमन अगर हम अपने इसको अखलाकियात की तरह से देखें और अगर अपनी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, ये चीज़ गलत है. हमें मना किया गया है नेम कॉलिंग, हमें इस चीज़ की अखलाकियात सीखने की हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, और हम इंसानी नफसियात पर और मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ पर इतनी बात करते हैं कि बच्चों के तो स्कूल का एक यू नो एक मस्ट सेशन होना चाहिए, एक कोर्स होना चाहिए जहाँ पे हम बच्चों को यू नो मैनर्स या अखलाकियात या इंसानी नफसियात के हवाले से बच्चों को यू नो अर्ली एज में उनको सिखाना बताना शुरू कर दें. इट्स रियली इम्पॉर्टेंट. थैंक यू सो मच सारा, आपने हमें ज्वाइन किया इन आवर प्रोग्राम. जाने से पहले कुछ मैसेज, कोई पैगाम जो कि आप शेयर करना चाहें, देना चाहें? इट जस्ट टेक अ मोमेंट टू डिस्ट्रॉय समवन्स लाइफ. आपका एक कॉमेंट किसी की दिन रात और ज़िंदगी तबाह कर देते हैं. सो ट्राई कि अपने लफ्ज़ों का चुनाव अच्छे से करें, और अगर कुछ अच्छा नहीं कह सकते ना, खामोश रहें, दूसरों की पर्सनल स्पेस का ख्याल रखें. और हाँ, एक ध्यान आपने रखना है, लोगों के घर में पेरेंट्स हैं वो उनको बता देंगे कि उनके फेशियल फीचर्स कैसे हैं, और सबके पास शीशा होता है. अगर शीशा नहीं होता तो फ्रंट कैमरा सबके पास है, तो आपने किसी को नहीं बताना उसका वजन बढ़ रहा है, कम हो गया है, नाक कैसा है, आँख कैसी है, या चेहरे की शेप कैसी है. थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे. स्टे विद अस.